गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है हमारी और दादी आ गई है, सामने बैठ गई है। तो मैं ना आज दादी के लिए ना कुछ, मैंने दादी के लिए देखो माया इकट्ठी कर रखी है ना। मैं खर्चती नहीं हूँ, मैंने बचा भी रखी है। खर्चती नहीं, देखो बोल पड़ी दादी भी। दो मिनट मैंने कहा दादी थोड़ा चुप रहना, चुप रहना, लेकिन मजाल दादी चुप रहे बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि मैं बोलूं और दादी बीच में ना बोले? फिर सब मुझे कहते हैं अरे तुम तो दादी को तंग कर देती हो, और क्या है, अरे तुम तो दादी को ऐसे कर देती हो, है ना, अरे तुम तो दादी को फलाना कर देती हो। और क्या कर नहीं देते है? मैं देख कैसे दादी राजी हो रही है, पूरी राजी होती है हमारी दादी सच में। तो गाइस सामने है दादी और देखो गुड मॉर्निंग। और क्या, पहले तो सबसे बड़ी बात, सारे कहते दादी को आप ठंड में मार रहे हो, दादी गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनती? ये गर्म तो पहन दी गाइस, जब मैं कितनी बार वीडियो बनाती हूँ ना, जो कॉटन का सूट डाला होता है ये तो रात को बना देती हूँ कितनी बार मैं वीडियो, और दादी ना दादी पूरा टम्मी दिखा रही अपना। तो गाइस मैं बता रही थी, परसों आपने पिंक सूट डाला हुआ था ना, जब वो गुलाबी सा गुलाबी वाला अच्छा। वो सूट डाला, दादी को ठंड लग जाएगी, दादी को गर्मी, वो मोटे कपड़े पहनाओ। अब दादी जवाब देगी मोटे कपड़े क्यों नहीं पहनती भाई, क्यों नहीं पहनती मोटे कपड़े? ये गर्म पा तो रखा नहीं, वो सूट क्यों डाला? रात को तो मैं गर्म पा के सो नहीं सकती, सो नहीं सकती। और ये देख लो भाई, अब मैंने पा लिया, अब कोटी पाऊंगी ऊपर, तो वही ना, अभी कोटी पाई नहीं है, जब कोटी डालोगे तब मैं वीडियो थोड़ी ना बनाऊंगी, मैं वीडियो तो अभी बना रही हूँ, तो आपको पहले डालना चाहिए ताकि कोई बोले ना कि दादी गर्म कपड़े ना पहन, नहीं पहनती दादी, गर्म सूट डाल रखे पूरे बाबाला। देखो जी क्या, ये देखो ये होता है, तो ये मैं नहीं बोल रही, आपको गुलाबी सूट देख के बोला था कि दादी, हाँ दादी तो गर्म कपड़े ही नहीं पहनती, मैंने कहा पहनवा लो दादी से गर्म कपड़े, मैं तो क्या बोलूं। तो गाइस सुना सभी ने, दादी बोल रही मैं जब सोती हूँ तो मैं ठंडे कपड़े पहनती हूँ, गर्म कपड़े नहीं पहनती है, कॉटन का सूट पहनती हूँ। अब रजाई में से निकल के बंदे को टॉयलेट वगैरह तो जाना ही पड़ता है ना, तो वो भी रजाई में कर ले। अरे मैं जवाब दे रही हूँ, दादी दादी क्या बोल रही है, तो मैं ये कह रही हूँ मैं थोड़ी ना कर रही हूँ, ऑडियंस ने बोला, मैं तो वो जवाब दे रही हूँ। चलो एनीवे लीव इट, हो गया वो आंसर दे दिया मैंने, अब आते हैं मुद्दे पे। गाइस ये नोट, ये नोट देख रहे हो आप, गांधी जी वाले नोट, दादी मेरे को देगी ये? हाँ मेरे को देगी, क्या बात है दादी, कितनी राजी हो रही है ना, मेरे को देगी नहीं, पड़ोसियों को दे रही हूँ मैं, पड़ोसियों को दे रही है। और लो देख, पकड़ो जरा, देखो आपके हाथ में कैसे लगते हैं नोट, कैसे लगते हैं आपके हाथ में दादी, दिखाओ जरा, कैसे लग रहे हैं दादी हाथ में? बढ़िया है। हाँ। आज कैसा दिल बहू ने निकाल दिया, मैंने कहा दादी तो दिल निकालती नहीं है, है ना, तो बहू दिल निकाल दे। ओहो गाइस ये नोट मैंने दादी को दिए हैं, ठीक है, ये नोट दादी मैं इसलिए दे रही हूँ, देखो मैंने आपको कितने हरे हरे, दादी आप भी ऐसे दिल खोला करो। दादी तो देखती रहती है, ये तो ऐसे करती है दादी, मेरे को उतने वैसे इसके देखो मन में ये आ गई भाई, नोट ये मेरे को मिल जा, नहीं तो मैं ही तो दे रही हूँ आपको, मेरे को सब पता है। तो गाइस ये देखो, ये नोट दादी के, दादी आपके नोट कैसा लगा आपको, बहू ने आपको नोट दिए अच्छे आए? गाइस दादी आज हमारी बहुत खुश हो गई, मैं तो खुश ही खुश हूँ। हूँ क्या, बहू ने आज दादी को कर दिया माला माल, फिर क्या हो गया माला माल, है ना, है ना। तो देखो आज तो दादी नोट भी आपके कपड़ों से मैच हो रहे, अच्छा है, हमारी बहू कितनी अच्छी है, दादी को आज नोट दे दिया, कुछ हो रही है दादी, मीठे चुप्पे दे रही है गाइस, मीठे चुप्पे देखो दादी बहू के लिए बोलती है, दादी भी आज मीठे चुप्पे दे रही है, नोट दे दिए तो आज बहू अच्छी है, और सब मतलब का है, देखो हरे हरे नोट देख के दादी की खुशी देखो। तो बस गाइस इतना ही कहना था, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।